देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का। मॉर्निंग न्यूज में जान लेते हैं आज की 10 प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली विदेश यात्रा पर आज इटली जाएंगे। इटली के अपोलिया में आज यानी 14 जून को G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। वहीं बता दें कि विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा ने बीते बुधवार को बताया कि इटली के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल इटली के अपोलिया जाएंगे। मनोहर लाल का आज समालखा में होगा भव्य स्वागत। केंद्र की मोदी सरकार में शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री बने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज समालखा सहित पानीपत में 3 जगह भव्य स्वागत होगा। बता दें कि उपरोक्त जानकारी देते हुए भाजपा अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने बताया कि पीएम मोदी की सरकार में शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री नियुक्त होने के बाद मनोहर लाल पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। आज सभी अस्पतालों में निःशुल्क होगी रक्त की जाँच। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर देश के सभी अस्पतालों में लोगों की निःशुल्क रक्त की जाँच की जाएगी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र जारी कर दिया है। इसके तहत देश के सभी मेडिकल कॉलेजों के ब्लड डोनर रजिस्ट्री यानी रक्तदाताओं का डाटा बैंक तैयार किया जाएगा। राजस्थान में PGT नौकरी की अंतिम तिथि आज। राजस्थान के झुंझुनू में मौजूद सैनिक स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग के कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। बता दें इच्छुक और योग्य उम्मीदवार फटाफट ऑफिशियल वेबसाइट ssjhunjhunu.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट आज है। आज होगा अफगानिस्तान और पापुआ न्यू गिनी के बीच मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप 2024 का 29वां मुकाबला अफगानिस्तान और पापुआ न्यू गिनी के बीच ब्रायन लारा स्टेडियम तरोबा त्रिनिदाद में आज यानी 14 जून को सुबह 6 बजे से खेला जाएगा। बता दें अफगानिस्तान की टीम 2 में से 2 मुकाबले जीतकर 4 पॉइंट लेकर ग्रुप सी के दूसरे स्थान पर मौजूद है। वहीं पापुआ न्यू गिनी अपने 2 में से 2 मुकाबले हार चुकी है। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी टीचर भर्ती प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में आज से उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बता दें कि इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की मैपिंग और दस्तावेज सत्यापन आज यानी 14 जून से होगा। आज से शुरू हो रही है हज यात्रा। साल 2024 हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। 19 जून तक ये हज यात्रा चलेगी। मान्यता है शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुस्लिम व्यक्ति के लिए जीवन में एक बार हज जरूर जाना चाहिए। बता दें कि हज यात्रा खुद को अल्लाह से जोड़ने या उसके करीब आने का मार्ग समझा जाता है। आज अयोध्या में योग का महाकुंभ का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ और अखिल भारतीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा योग महाकुंभ का आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है। बता दें आज पावन धाम अयोध्या में योग महाकुंभ के आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया से आश्रम गांधीपुरी सेवाग्राम के अध्यक्ष पद्मश्री अगुसेंद्र उदयन, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। गढ़वा में आज से कैंप लगाकर बनाया जाएगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। गढ़वा जिले में आज से 5 जुलाई तक दिव्यांग बच्चों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए सदर अस्पताल में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए DO आकाश कुमार ने सभी प्रखंडों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्हें अभिभावकों से अपील की है कि प्रखंड के लिए निर्धारित तिथि को अपने बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें। आज राजस्थान के कई जिलों में बदलेगा मौसम। राजस्थान के आधे से ज्यादा जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने के आसार हैं। आगामी यानी कि आज 14 जून को तेज अंधेर के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। मॉर्निंग न्यूज में अब वक्त हो चुका है आज के इतिहास को जानने का। तो आपको बताते हैं आज का दिन क्यों है खास। सन 1901 में आज के दिन पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। 1955 में आज के दिन हिंदी और बांग्ला चलचित्र अभिनेत्री किरण खेर का जन्म हुआ था। 1996 में आज के दिन भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन का जन्म हुआ था। 1999 में आज के दिन थाबो मबेकी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 2011 में आज के दिन रुद्र वीणा वादक असद अली खां का निधन हुआ था। फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।